अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर विगत 11 दिनों से हड़ताल पर बैठे छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के पदाधिकारियों व सदस्यों ने हड़ताल के 12वें दिन अपनी हड़ताल को समाप्त कर दिया। नगर निगम दुर्ग के अधिकारी एवं कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल रहे। नगर निगम के बाहर पंडाल लगाकर लगातार 11 दिनों तक प्रदर्शन किया गया। 12वें दिन कृषि मंत्री रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में हुई एक बैठक के बाद शुक्रवार को नगर निगम दुर्ग के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा हड़ताल समाप्त कर दी गई। हड़ताल समाप्त करने के बाद फेडरेशन के पदाधिकारियों ने मीडिया के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार से दी। अभी जैसे आप लोगों सब मीडिया के माध्यम से और जो समाचार पत्र चैनलों के माध्यम से जो चल रही है खबर कि अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के साथ में माननीय रविंद्र चौबे जी कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा उनके साथ एक मीटिंग हुई जो कि माननीय मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के साथ में उस मीटिंग को में आयोजित की गई थी। और उसमें जो कि डीए की मांग को लेकर थी कि डीए जो 1/8/2022 से जो दिया गया है तो उस संबंध में चर्चा हुई। पहले निर्णय में कि जो 19 महीने का आपका एरियस राशि है वो जीपीएफ खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी और जो दूसरी जो 6% के लिए हम लोग लड़ रहे थे 34% टोटल तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि त्यौहार के सीजन दिवाली के पूर्व उसमें 6% डीए की घोषणा की जाएगी। साथ ही साथ जो 7वें वेतन जो एचआरए जो निर्धारित है 7वें वेतनमान में जो कि नहीं मिल रहा था छत्तीसगढ़ शासन में अब तक लागू नहीं हुआ था उसके लिए उन्होंने माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हम एक कमेटी गठित करेंगे जिसमें अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन का भी उसमें एक कर्मचारी प्रतिनिधि के रूप में रहेगा और इस टाइप से पूरी मांगों को लगभग मान ली गई। हम लोगों ने जनता के हित में कि जनता को जो 10 दिन से 12 दिन से जो जो तकलीफों का सामना करना पड़ा उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि और इनके साथ ये भी कहना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग दिया। जनता ने हमें 12 दिन तक किसी प्रकार का हाहाकार नहीं मचाया कि ये कर्मचारी अधिकारी और उनका भी आपको ये बता दूँ कि जनता का भी मौन समर्थन हमारे साथ था ये हमें पता चला और हम सब जनता के नगर निगम की जनता ये नगर निगम क्षेत्र की जनता पूरे प्रदेश की जनता का भी आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ जितने भी लोग हमारे संगठन के लोगों को जो समर्थन दिया है उनका भी हम आज इस मंच के माध्यम से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमें हमारी मांगों को लेकर जो हमारी हड़ताल थी उसमें सहयोग प्रदान किया। क्या सर लंबे वक्त से हम हड़ताल में थे इनकी सूचना हम बराबर समय पर शासन को देते थे। 4 चरण में हमारी हड़ताल चालू हुई थी। प्रथम चरण में काला फीता लगा के हड़ताल किए गया। द्वितीय चरण में एक दिन सामूहिक हड़ताल किया गया। तृतीय चरण में भी हड़ताल किया। चौथे चरण में पाँच दिन का कलमबंद आंदोलन किया गया। चौथे चरण में 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन किया गया और आज हमें एक सुखद सूचना मिली कि हमारी जो भी मांगे हैं चाहे वो HIR के संबंध में हो या महंगाई भत्ता के संबंध में हो उस मांगों पर सरकार ने विचार किया है और बहुत सारे मांग हमारी मान ली गई है। इसलिए हम आज हमारे आयुक्त महोदय को हमने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। आज से हम अपने काम पे वापस आ गए हैं।